पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर महम से निर्दलीय विधायक बने बलराज कुंडू और रोहतक से विधायक बीबी बत्रा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बलराज कुंडू का आरोप है कि मनीष ग्रोवर ने शुगर मिल में कांटे की चिप बदलकर घोटाला कराया। हालांकि इस मामले में उस समय मनीष ग्रोवर सवालों से बचते हुए नजर आ रहे थे। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में इन दिनों मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के मामले में वार पलटवार जारी है। दरअसल ये पूरा मामला बलराज कुंडू के बयान से शुरू हुआ था। बलराज कुंडू चुनाव से पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे, लेकिन चुनाव में टिकट कट जाने के बाद बलराज कुंडू ने महम से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जीतने के बाद बलराज कुंडू ने बीजेपी को समर्थन दिया। आपको बता दें, 24 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलराज कुंडू ने पूर्व सहकारिता मंत्री और बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बलराज कुंडू ने मनीष ग्रोवर पर क्या आरोप लगाए थे। मनीष ग्रोवर ने कैथल शुगर मिल में कांटे की चिप बदलकर घोटाला कराया। एक क्विंटल सीरे में 60 किलोग्राम दिखाया गया। किसान के एक क्विंटल गन्ने को 90 किलोग्राम दिखाया गया। चीनी मिल से जाने वाली एक क्विंटल चीनी को 78 किलोग्राम दिखाया गया। पीएम की अमृत जल योजना में 2,650 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसे पानी और सीवर के काम में लगाना था, पब्लिक हेल्थ विभाग को ये करना था, लेकिन मनीष ग्रोवर ने इसे अपने डिपार्टमेंट में ले लिया और फिर सिंगल टेंडर करवाए गए। ठेकेदार को ही पाइप खरीदने को कहा गया। 70 रुपए के पाइप को 120 रुपए में खरीदा गया। बलराज कुंडू का आरोप है इसमें 250 करोड़ का घोटाला हुआ। महम से विधायक बलराज कुंडू ने मनीष ग्रोवर पर प्रदेश की चीनी मिलों के 3,300 करोड़ रुपए के घाटे को घोटाला बताया। इस प्रकार से रोहतक में ये मास्टिक का काम खेल जो मैंने आपको उजागर किया था, किस प्रकार से उन्होंने 3 गुना ज्यादा रेट में जो आइटम होने वाला ही नहीं उसको करवाने का, हैरानी की बात यह है। मुझे अभी पता लगा कि अभी भी 5-4 दिन पहले नए टेंडर भी मास्टिक के अलॉट किए गए। डिस्टिलरी जो पानीपत नंबर 1 जो देसी दारू की वो है, उसमें जितना दारू के लिए बोतल पौवा अर्धा ढक्कन हॉलमार्क टोटली का टोटली मनीष ग्रोवर की अपने बेटे की और अपनी पुत्र वधु के नाम कंपनी MSG मिसेज सीमा ग्रोवर उस कंपनी के नाम पे जो पहले टेंडर थे उसे 1.5 गुना रेटों पे वो उसके नाम से डायरेक्ट, यानी इतना बड़ा जिगर, यानी आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा जिसने इतना बड़ा जिगर करके अपने बेटे और बहू के नाम अपने विभाग के कारखानों में जो है ना टेंडर लेने का काम किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में जितनी शुगर मिले हैं आओ जा बैरल के नाम से और अपनी एक और कंपनी जो इसकी बेटे के नाम रोहतक से खरीदी उसके नाम पर सारे टेंडर लेने का काम किया। उस समय भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष ग्रोवर से सवाल किया गया था, लेकिन मनीष ग्रोवर इन सवालों से बचते हुए नजर आए। आइए आपको सुनाते हैं मनीष ग्रोवर ने उस समय क्या कहा था। मनीष जी, आज फिर बड़े गंभीर आरोप विधायक महम आपके ऊपर लगा। इस विषय में नहीं बोलना चाहता। क्या बात, चुप्पी को कुछ इसमें माना जाए कि कुछ ना कुछ घोटाला है? आप अपना आकलन कर लो, कैमरे से जाके उनसे पूछ लो। नहीं ग्रोवर साहब, उन्होंने पर्सनल एलिगेशन लगाए हैं आपके खिलाफ। तो अगर आप ही नहीं बताएंगे उस बारे में, आपका बनता है बोलना। आप ऐसे टालो नहीं बात को, आपका बनता है बोलना। ग्रोवर साहब आपका बोलना बनता है, आप ऐसे नकारो नहीं इस बात को। भ्रष्टाचार के आरोप पर मनीष ग्रोवर को लगातार बलराज कुंडू घेर रहे हैं। सवाल कई है, लेकिन मनीष ग्रोवर सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज़।